हेलो दोस्तों, मैं शुभम स्वागत करता हूँ आप सभी का ऑलटेक यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, एक नया मंथ यानी कि अक्टूबर स्टार्ट हो चुका है। मतलब कि मैं आप लोगों के लिए लेके आ गया हूँ टॉप 15 न्यू गेम्स फॉर एंड्रॉयड डिवाइसेस, जो कि आप अक्टूबर मंथ में प्ले करने चाहिए। और अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी तो कीजिएगा इस वीडियो को एक लाइक, और अगर आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो भाई लोग चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल दबा दीजिए, जिससे मैं कोई धमाकेदार वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं गेम्स के काउंटडाउन को, और उनमें से पहला गेम निकल के आता है जेंशन इम्पैक्ट। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, जिस गेम का आप लोग काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे, जेंशन इम्पैक्ट कब हमारे एंड्रॉयड स्मार्टफोन के ऊपर आएगा, फाइनली वो गेम आ चुका है। अब आप आसानी से जाके गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन मैं जब आसानी शब्द का यूज़ करता हूँ ना, वहीं पर प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि दोस्तों इस गेम का साइज़ है 6.6 GB, यानी कि इतना बड़ा साइज़ है, मोबाइल डेटा से डाउनलोड करने में आप लोगों को प्रॉब्लम्स होंगी और इसलिए इस गेम को डाउनलोड करना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन अगर आप लोग कहीं से जुगाड़ लगा सकें, जैसे तैसे इस गेम को डाउनलोड कर लेते हैं ना, फिर आपको एक ऐसा एक्सपीरियंस मिलने वाला है जिसमें आप लोगों को बहुत ही अच्छी ग्राफिक्स, एक कमाल का ओपन वर्ल्ड एनवायरनमेंट देखने के लिए मिल जाएगा। यानी कि यहाँ पर आप लोग पहाड़ पर चढ़ सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, RPG स्टाइल का कॉम्बैट देखने को मिल जाएगा, बड़े बड़े बॉसेस से आप लोगों की फ़ाइट होगी, ब्यूटीफुल लोकेशन और कमाल के विजुअल देखने के लिए मिलेंगे। यानी कि ऐसी ऐसी सीनरीज जिसे देख के आप लोगों को ऐसा लगेगा कि गेम नहीं बल्कि आप कोई मूवी देख रहे हैं। यानी कि एक बात की तो गारंटी है, गेम अच्छा है। गेम का जो साउंड ट्रैक है वो भी काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाएगा दोस्तों के साथ में, यानी कि मल्टीप्लेयर का सपोर्ट भी मिलेगा और गेम दोस्तों ऑनलाइन होने वाला है। चलिए खैर, बहुत हो गया फर्स्ट गेम की बात, अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे और बात करते हैं हमारे सेकेंड गेम की, जो निकल के आता है शैडो ब्लड। शैडो ब्लड एक ऐसा गेम है जिसकी ग्राफिक्स पर्सनली मुझे वीडियो गेम जैसी देखने को मिलती है। यानी कि हम लोग ने वीडियो गेम्स प्ले किए हैं, जिस टाइप की ग्राफिक्स हुआ करती थी वही मुझे इस गेम में देखने को मिल रही है। यानी कि मैं इसको पर्सनली इतनी अच्छे से आप लोगों को रिकमेंड नहीं कर सकता, लेकिन अगर आप लोगों को ऐसे गेम्स पसंद है जहाँ पर आपको रियल टाइम में कॉम्बैट मिले, बहुत सारे एनिमीज़ को मारना हो, तो आप इस गेम को एक ना एक बार ट्राई कर सकते हैं। और वैसे आपको इस गेम में स्किल्स मिल जाती हैं, स्पेल्स वगैरह मिल जाएंगे, बहुत सारी पावर्स वगैरह मिलती है, यानी कि ऐसे ढेर सारे कॉम्बोज आप को बनाएंगे अपने एनिमीज़ को मारने के लिए। ओवरऑल अच्छी फाइटिंग गेम है, अगर आपको अच्छा लगता है, ग्राफिक्स से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो एक बार जरूर से ट्राई कर सकते हैं। गेम का साइज है दोस्तों 700 MB और एक ऑनलाइन गेम है। चलिए खैर दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं सीरीज़ में आगे और बात करते हैं हमारे थर्ड गेम की, जो निकल के आता है फायर स्ट्राइक ऑनलाइन। ये फर्स्ट पर्सन शूटिंग गेम होने वाला है जिसमें आप लोगों को मल्टीप्लेयर का भी सपोर्ट देखने के लिए मिल जाएगा। यानी कि दोस्तों के साथ में लगभग 5 मिनट की बैटल होंगी, 12 प्लेयर्स आएंगे और आप उन्हें मार के गिरा देंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, 4 अलग अलग गेम मोड्स आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगे, अलग अलग लोकेशंस हैं, कैरेक्टर्स को आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं और बहुत सारी वेपन्स मिल जाएंगी। अगर बात करूँ गेम की साइज़ की, तो वो होने वाला है 476 MB और ये एक ऑनलाइन गेम है। वैसे तो दोस्तों इस गेम की जो ग्राफिक्स है वो आपको डिसेंट लेवल की देखने को मिलेगी। अब दोस्तों वीडियो का जब फर्स्ट गेम जेंशन इम्पैक्ट जैसा हो, तो भाई किसी गेम की ग्राफिक्स आप लोगों को पसंद ही नहीं आएगी। सो अगर अच्छा लगे तो ट्राई कीजिएगा, नहीं तो चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं फोर्थ गेम की, जो निकल के आता है मिशन एस। अब ये हुआ ना एक मज़ेदार सा गेम। इस गेम की ग्राफिक्स आपको सच में अच्छी देखने के लिए मिल जाएगी, ग्राफिक्स अच्छी है, लेकिन प्ले स्टोर से इसको रिमूव कर दिया गया है। भाई ये छोटी सी प्रॉब्लम है, लेकिन टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, आप मेरे दिए हुए लिंक से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। गेम इंस्पायर्ड है दोस्तों बैटल रॉयल कैटेगरी से, यानी कि यहाँ पर भी बहुत सारे प्लेयर्स एक साथ आते हैं और आपको एलिमिनेट करना है 39 अदर प्लेयर्स को, उन्हें मार गिराइए, कलेक्ट कीजिए और बहुत सारी वेपन्स को, अलग अलग टाइप की व्हीकल्स आपको देखने के लिए मिल जाएगी। मैप जो है काफ़ी बड़ा आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार गेम प्ले एक्सपीरियंस होगा। ऊपर से जो एक्शन होगा काफ़ी ज़्यादा फास्ट होने वाला है, यानी कि जैसे आप लोग लैंड करते हैं और अच्छी वेपन्स आप लोगों को नहीं मिल पाती है, तो भाई सामने वाला ओपोनेंट्स एक सेकंड के लिए भी वेट नहीं करेगा, वो आपको तुरंत नॉकआउट कर देगा। अगर मैं बात करूँ गेम की साइज़ की, तो वो है 1.8 GB और ऑनलाइन गेम होने वाला है। सो बहुत देर से बात कर रहे हैं ऐसे गेम्स की जहाँ आपको शूटिंग देखने के लिए मिलती है, फर्स्ट पर्सन है, कुछ थर्ड पर्सन है। अब चलिए बात करते हैं कुछ मज़ेदार से एडवेंचर गेम्स की, यानी कि हमारा 5th नंबर का गेम जो निकल के आता है रेसिंग स्मैश 3D। अब यहाँ पे आप लोगों को करना क्या है, रेसिंग करना है, जस्ट सिंपल। नहीं दोस्तों, सिंपल नहीं है एक्चुअली, जो आपकी बाइक है वो उड़ते उड़ते आपको रेसिंग कराएगी और आपको सामने आने वाले एनिमीज़ को मारना होगा। यानी कि जो भी आपसे आगे निकलने की कोशिश करता है उसको आप लोग अटैक कीजिए, चाहे गन से चाहे अपनी वेपन्स का इस्तेमाल करते हुए, और एंड तक पहुँच जाइए। सबसे पहले कमाल की ग्राफिक्स मिलेगी, खेलने में बहुत ही मज़ा आएगा और काफ़ी कम साइज़ का गेम है। जी हाँ दोस्तों, गेम का साइज़ है सिर्फ और सिर्फ 56 MB और एक ऑफलाइन गेम होने वाला है। और चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं 6th गेम की, जो निकल के आता है एलाइट स्ट्राइक।
एलाइट स्ट्राइक एक मल्टीप्लेयर गेम है, यानी कि यहाँ पर से आप लोग फ्रेंड्स के साथ तो प्ले कर सकते हो, लेकिन आपको बैटल रॉयल कैटेगरी देखने के लिए नहीं मिलेगी। आप लोगों को मिल जाएगा टीम डेथ मैच या फिर दोस्तों सर्च एंड डिस्ट्रॉय मोड, यानी कि अलग अलग गेम मोड्स है और तकड़ा शूटिंग मैकेनिज्म है। इसकी ग्राफिक डिसेंट लेवल की है। अगर बात करी जाए इसकी गेम की साइज़ की तो वो होने वाला है दोस्तों 1 GB के आसपास, और ये गेम ऑनलाइन होने वाला है। चलिए खैर इसी के साथ बात करते हैं 7th गेम की, जो निकल के आता है मिनी फुटबॉल मोबाइल सॉकर। अब ये होगा मस्त फन लविंग एडिक्टिव गेम, यानी कि छोटे छोटे प्यारे प्यारे क्यूट से कैरेक्टर्स आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगे, जिनसे आप लोग प्ले करेंगे सॉकर। बहुत सारी टीम्स हैं, आप लोग ही अपनी टीम को मैनेज करेंगे, गोल्स वगैरह करेंगे, पूरे तरीके से ऑर्गेनाइज करेंगे मैचेस को, और खेलने में मज़ा आएगा। अगर बात करी जाए गेम की ग्राफिक्स की तो भाई वो अच्छी देखने के लिए मिल जाएगी, क्योंकि गेम का साइज है 134 MB, यानी कि साइज तो काफ़ी कम है। ये एक ऑनलाइन गेम है और इसी में आप लोगों को मज़ा भी आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं सीरीज की 8th गेम की, जो निकल के आता है पॉलीगॉन कवर स्ट्राइक। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं इस गेम के साइज की। इस गेम का साइज होने वाला है सिर्फ और सिर्फ 50 MB, और ये ऑफलाइन गेम है, यानी कि एक्स्ट्रा डेटा आप लोग से नहीं लेगा। बहुत कम साइज में आप लोग इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो सोचिए इतने कम साइज में आपको एक मज़ेदार सा गेम देखने को मिल रहा है, जिसमें आपको 10 से भी ज़्यादा अलग अलग मिशन देखने के लिए मिल जाएंगे। अमेजिंग ग्राफिक्स मिलेगी, सिंपल टच कंट्रोल्स मिलेंगे, यानी कि प्ले करने में मज़ा आएगा। आसान गेम है, खेलने में एडिक्टिव है। और चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इससे भी कम साइज की गेम्स की, यानी कि जो 9th नंबर का गेम निकल के आता है वो है नियॉन फ्लाइट्रॉन। अब भाई ये गेम सिर्फ और सिर्फ 35 MB का देखने के लिए मिल जाएगा, यानी कि इतने कम साइज के गेम्स आ रहे हैं, आप लोग आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, और ये गेम भी ऑफलाइन होने वाला है। अब बात करता हूँ गेम प्ले की, तो यार यहाँ पर आप लोगों को साइबरपंक स्टाइल का गेम प्ले एक्सपीरियंस मिलता है, उसी टाइप का फ्यूचरिस्टिक एनवायरनमेंट, वैसे ही गाड़ियाँ, और चलाते चले जाइए अपनी कार को ऑब्स्टिकल से बचाते हुए। ये भी एक मज़ेदार सा गेम है, एडिक्टिव गेम है, और अगर आपको पसंद आए तो आप इस गेम को डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं 10th गेम की, जो निकल के आता है सुपर क्लोन। अब इस गेम में आपको क्या नया देखने को मिलेगा? ढेर सारा एक्शन और कमाल की फाइटिंग। जब भी आप लोग इस गेम को स्टार्ट करेंगे आपको बिल्कुल नया लोकेशन देखने के लिए मिलेगी, नए लोकेशन, नए पजल्स और ढेर सारा न्यू टास्क, यानी कि बहुत सारे एनिमीज आप लोगों की तरफ आने वाले हैं जिन्हें आप लोग मार गिराएंगे। बहुत ही ज़्यादा कमाल का साउंड ट्रैक्स आपको इस गेम में देखने के लिए मिल जाएगा। हाँ मैं मानता हूँ गेम थोड़ा सा बेसिक स्टाइल का है, ग्राफिक्स उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन गेम का कंसेप्ट काफ़ी अच्छा है, यानी कि जब भी आप गेम में एंटर करेंगे आपको हर बार एक नया लेवल देखने को मिलेगा। आप लोग गेम से बोर नहीं होंगे, मारते चले जाएंगे एनिमीज को। अगर आपको अच्छा लगता है तो ट्राई कीजिएगा। साइज है दोस्तों 110 MB और ये एक ऑनलाइन गेम है। चलिए खैर इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं हमारे 11th गेम की, जो निकल के आता है लीगो लेगेसी। अब आप लोगों ने लीगो की गेम्स खेले होंगे, उनकी मूवीज़ और उनकी बहुत सारी गेम्स आपने ऑलरेडी प्ले किए होंगे, और उन्हीं का लेटेस्ट गेम निकल के आता है लीगो लेगेसी हीरोज़ अनबॉक्स्ड। अब यहाँ पे आप लोग करने के हवाले हैं अपनी खुद की एक टीम बनाएंगे और सामने वाली टीम को हराने वाले हैं। बारी बारी से सभी कैरेक्टर्स की टर्न आएगी और टर्न्स में आप लोग जाके अपनी पावर्स का यूज़ करेंगे और सामने वाले कैरेक्टर्स को डैमेज प्रोवाइड करेंगे, यानी कि एक स्ट्रेटेजी बैटल वाला गेम होने वाला है, जिसमें आप लोग अपनी क्रिएटिविटी का यूज़ करेंगे, अपनी टीम की स्ट्रेंथ का यूज़ करेंगे, और खेलने में मज़ा आता है। प्रॉब्लम है इसके साइज की, यानी कि साइज बहुत बड़ा है, 1 GB के आसपास का गेम है और ये एक ऑनलाइन गेम है। और अब बात करते हैं नेक्स्ट गेम की, यानी कि अभी भी हमारे सीरीज में 4 गेम्स बचे हैं। हम लोग ऑलरेडी 11 गेम को कवर कर चुके हैं। सो दोस्तों अभी तक के बताए गए गेम्स अपने आप में थोड़ा सा डिफरेंट है, अलग अलग कैटेगरीज को बिलोंग करते हैं और खेलने लायक है। अब चलिए थोड़ा सा बात करते हैं फनी गेम्स की, यानी कि 12th नंबर का गेम जो निकल के आता है फूड गैंग। अब भाई खाने वाले बच्चों की गैंग आ चुकी है, इसमें खेलने में तो मज़ा आएगा, वैसे डिसेंट लेवल का है, इतना ज़्यादा बुरा नहीं है। एक्चुअली में होता क्या है, आप लोग 14 अलग अलग यूनिक कैरेक्टर्स में से जो पसंद आए उसे सेलेक्ट कर सकते हैं, और इसके बाद में ऑनलाइन प्लेयर के साथ फाइट करते हैं अपनी स्किल्स वगैरह का यूज़ करते हुए। गेम का साइज है दोस्तों 70 MB के आसपास और ऑनलाइन गेम होने वाला है। आपको फूड गेम फनी नहीं लगता तो चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट गेम की, यानी कि 13 नंबर का गेम जो निकल के आता है रॉड सिटी रेसलिंग। अब यार ये तो डेफिनेटली फनी लगेगा, क्योंकि यहाँ पर तो आपको रेसलिंग करने के लिए मिल जाती है, लेकिन वो जो कैरेक्टर्स हैं ना वो इतने अजीब से दिखते हैं, मज़ा से ही आ जाता है उनको देखने में। आप लोगों को कैरियर मोड्स भी मिल जाता है, रियल टाइम में फाइटिंग मोड्स भी मिल जाएगा। गेम का साइज होने वाला है दोस्तों 20 MB और एक ऑफलाइन गेम है, यानी कि बहुत कम साइज का गेम है। अगर आपको अच्छा लगता है तो एक बार ट्राई कर सकते हैं। और चलिए दोस्तों इसी के साथ बात करते हैं हमारे सीरीज के 2nd लास्ट गेम की, जो निकल के आता है स्पेस। स्पेस एक साइंस फिक्शन पजल गेम है, और भाई इस गेम को मत खेलना, पता नहीं क्या सोच के डेवलपर्स ने इस गेम का प्राइस 300 रखा है। एक तो पेड गेम, ऊपर से कुछ भी नहीं है, बस पजल सॉल्व करना है। अगर आज के टाइम में आपको पजल बेस्ड गेम पसंद है तो आपको फ्री में इतने सारे गेम्स मिल जाएंगे, नए गेम्स लॉन्च करने की क्या जरूरत थी। वैसे गेम्स में पजल्स
अच्छी है। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर मुझे कहीं से भी फ्री में मिल जाता है तो मैं इसका डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और भाई वीडियो का जो 15th गेम होने वाला है उसको टोपो की सलामी मिलनी चाहिए, क्योंकि नाम यूज़ करेंगे इतने बड़े लोगों का। हैरी पॉटर पजल्स एंड स्पेल्स, हैरी पॉटर का नाम ऐसे यूज़ किया जैसे ब्रह्मांड का सबसे बेहतरीन गेम आ चुका हो। गेम दोस्तों बेकार है, बच्चों की स्टाइल वाला गेम है। यहाँ पे आपको कुछ भी अच्छा देखने को लिए नहीं मिलेगा। 100 MB का गेम है, ऑफलाइन है। अगर आपको ऐसे गेम पसंद है जहाँ पे आपको कैंडीज़ को सेलेक्ट करके पजल सॉल्व करनी होती हो तो भाई आपके ऊपर है। सो दोस्तों मेरी तरफ से ये थे वो सारे के सारे 15 गेम्स जो ये हाल फिलहाल में ही एंड्रॉयड स्मार्टफोन के ऊपर लॉन्च हुए हैं। मेरा फ़र्ज़ था सारे के सारे गेम्स आप लोगों को बताना, चाहे वो अच्छे हो या फिर बुरे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो या फिर और भी गेम्स के बारे में जानना चाहते हो तो हमारे चैनल के साथ स्टे ट्यून्ड रहो और वीडियो को कर दीजिए एक लाइक। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो भाई लोग जल्दी से सब्सक्राइब कर दिए, बेल दबाइए जिससे आप हमारी कोई भी वीडियोस को मिस ना कर पाए। तो चलिए दोस्तों मैं मिलता हूँ फिर एक न्यू और धमाकेदार वीडियो के साथ में। टिल देन कीप वॉचिंग ऑल टेक, गुड बाय।